सो हाई गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सबनानी, और आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आया हूँ सोनी FX6 के पूरी मेन्यू सेटिंग्स। तो अगर आप सभी लोगों ने कैमकॉर्डर खरीद लिया है बाय एनी चांस, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल से आप समझ पाएंगे कौन कौन सी कैमरा की सेटिंग्स आपको करनी है और किस तरीके इसका मेन्यू जो है वो रन करता है। क्योंकि इस कैमकॉर्डर का जो मेन्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और फर्स्ट टाइम ऐसा मेन्यू आया जो टच प्लस सेमी टच स्क्रीन है। तो इसमें आपको टच का ऑप्शन भी मिलता है और नॉन टच का भी ऑप्शन मिलता है, और साथ साथ में इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट अदर सेटिंग्स भी हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। सो ये वीडियो लंबा होने वाला है, मैं रेकमेंड करूँगा कि आपने एक कैमकॉर्डर खरीदा है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर, दैट वुड बी रियली अप्रिशिएट कि आप चैनल कर ले सब्सक्राइब, और साथ साथ में आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी मैंने मेरा कैमरा कनेक्ट कर लिया है मेरे रिकॉर्डर से, एक्सटर्नल रिकॉर्डर से, और उससे जो भी सेटिंग्स आपको नज़र आ रही है वो मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। तो स्क्रीन पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो स्क्रीन पे सबसे पहला तो आपको बैटरी की टाइम दिखाई दे रहा है कि बैटरी कितनी देर चलेगी रिकॉर्डिंग के लिए, 114 मिनट चलेगी। उसके बाद FF मतलब फुल फ्रेम पे मेरा कैमरा सेट है। उसके बाद जो रेजोल्यूशन मैंने सेट किया हुआ है वो फुल HD 50 फ्रेम, और XAVC L वाला जो फॉर्मेट है वो मैंने बेसिकली सेलेक्ट किया हुआ है। एंड इसके साथ साथ में जो पिक्चर प्रोफाइल है दैट इज एस सिनेटोन पे सेट है। मेरा बेस ISO जो है वो लो पे है, एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑफ है। अगर मैं अदर एंड की बात करूँ, मेरा ऑटो फोकस जो है ऑफ है। नीचे की साइड आए तो हम लोगों को वाइट बैलेंस का ऑप्शन दिखेगा, टाइम कोड का ऑप्शन दिखेगा, साइड में हम लोगों को लो लाइट, क्योंकि मेरा कैमरा अभी काफ़ी लो लाइट सिचुएशन में, दैट्स वाई लो लाइट दिखा रहा है। और इसके साथ साथ में अपर्चर मेंशनड है, आप देख सकते हैं अपर्चर का नंबर दिया हुआ है, ISO मेंशनड है, और इसके साथ साथ में शटर स्पीड मेंशन है, और साइड में आपको हिस्टोग्राम एंड उसके नीचे हम लोगों को ऑडियो का लेवल नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली पूरे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है और इनका ये मतलब है। लेट मी ओपन फर्स्ट दी मेन्यू। सो जब आप मेन्यू के बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दो टाइप का मेन्यू दिखेगा, जो कि टच मेन्यू है ये, ठीक है। सो इसको हम लोग टच मेन्यू बोलते हैं, और इसे मैं बेसिकली क्विक मेन्यू बोलता हूँ। तो अगर आपको क्विक सेटिंग करनी है, लाइक अगर आपको फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, राइट, अगर आपको फुल फ्रेम से इसको सुपर 35 पे लेके जाना है, राइट, और अगर आपको अपना जो सिने AI मोड है उसको ऑन करना है, मतलब एस लॉग मोड को ऑन करना है, तो वो सारा जो क्विक ऑपरेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो फर्स्ट में आता है प्रोजेक्ट वाला, जिसमें आप लोग फ्रिक्वेंसी, फुल फ्रेम, XAVC कोडैक को चेंज कर सकोगे, रेजोल्यूशन को चेंज कर सकोगे, ठीक है। ये सारा सब कुछ आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट वाले मेन्यू में दिख जाएगा। देन मॉनिटरिंग में आपको आउटपुट के ऑप्शन दिखेंगे। देन उसके बाद असाइनेबल बटन्स में जो आपको बटन असाइन करना है, जैसे कि पहला बटन स्लो एंड क्विक पे, स्लो एंड क्विक मोशन, सो जो फर्स्ट बटन है वो स्लो एंड क्विक मोशन पे कस्टमाइज है, आप उसको चेंज करना चाहो तो आप क्लिक करके चेंज कर सकते हो। एंड देन जो सारे बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे जो भी जिस भी वे भी कस्टमाइज हैं, असाइन है, ये सारा का सारा बेसिकली आपको ब्रीफ उसमें बता रहा है। देन जो बैटरी के बारे में बता रहेगा, यहाँ पता मिल जाएगा आपको। देन यहाँ पे मीडिया के बारे में पता लग जाएगा कि कितनी देर और वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें चलेगी, मीडिया कितना ज़्यादा खाली है और कितना फुल है। एंड देन उसके बाद नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपने इसमें लैन कनेक्ट किया हुआ है तो नेटवर्क के बारे में यहाँ पे दिखा देगा ये। फाइल ट्रांसफ़र, अगर आप इसको FTP करें तो FTP का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन उसके बाद मेन मेन्यू, अगर आपको स्लो एंड क्विक मोशन की फ्रेम रेट को चेंज करना है तो राइट यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकेंगे स्लो एंड क्विक मेन्यू की, ठीक है। और ये सारे का सारा जो पूरा का पूरा एक्सेसिबल है, यहाँ से फ्रेम रेट चेंज करना है, IRS चेंज करना है, वाइट बैलेंस चेंज करना है, वो सब कुछ इस क्विक मेन्यू से चेंज हो सकेगा। देन कैमरा मेन्यू है वो भी क्विक में आपको मिल जाएगा, ND फिल्टर और सारी चीज़ें चेंज करनी है। एंड देन लास्ट जो कि ऑडियो है, जो कि मैं सारे चारों चैनल का ऑडियो आपको दिखा रहा है, आप अगर ऑडियो लेवल को कंट्रोल करना चाहो तो वो भी टच बेसिस पे कंट्रोल हो सकता है। तो इसको बेसिकली बोलते हैं हम लोग क्विक मेन्यू, जो कि क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा। नाउ जब मैं मेन्यू को बटन को लॉन्ग प्रेस करूंगा, तो आपको लॉन्ग प्रेस करना है मेन्यू के बटन को, तो मैं मेन्यू के बटन को लॉन्ग प्रेस करता हूँ एंड देन आप ब्रीफ मेन्यू के अंदर एंटर हो जाओगे। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन, इवन मुझे फर्स्ट टाइम कन्फ्यूज हुआ था कि मैं ब्रीफ मेन्यू में कैसे एंटर करूँगा। तो ब्रीफ मेन्यू के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना है, देन आप ब्रीफ मेन्यू के अंदर एंटर हो जाएंगे। नाउ ब्रीफ मेन्यू के अंदर यू कैन सी यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है, दैट इज़ यूज़र का। सो यूज़र में आप बेस सेटिंग्स को सेट कर सकोगे, ठीक है, जिसमें कस्टम और सिने AI। तो सिने AI मतलब आप एस लॉक पे चले जाओगे, एस लॉक 2, एस गैमेट सिने 3, और कस्टम मतलब जो इसमें पिक्चर प्रोफाइल दी गई हैं, जैसे कि ITU 709,
स्टैंडर्ड स्टिल सिने एस टोन वो सब कुछ आप कस्टम मोड में सेट कर सकोगे। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, अगर आपको रॉ आउटपुट को ऑन करना है क्योंकि ये कैमकॉर्डर 16 बिट का रॉ आउटपुट दे सकता है, इन केस ऑफ दैट आपको सिने EI मोड पे ही कैमरा को रखना पड़ेगा, तभी जो है रॉ आउटपुट का मोड ऑन होगा, वरना एस सिने टोन पे रॉ आउटपुट का मोड नहीं ऑन होगा। नाउ अभी हम लोग कस्टम रखते हैं, देन यहाँ पे आपको टारगेट डिस्प्ले मतलब जिस पे भी आप आउटपुट देने वाले हो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अगर आपको HDR वीडियो चाहिए आउटपुट के लिए तो आप HDR सिलेक्ट कर सकते हो, आपको HDR यानी स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज वाली वीडियो आउटपुट के लिए चाहिए तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नाउ फोकस के बारे में, बिकॉज दिस कैमरा कम्स विद द रियली गुड ऑटो फोकस ऑप्शन, तो यहाँ पे फोकस का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको AF ट्रांजेक्शन स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आई ऑलवेज कीप इट ऑन फास्ट क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रांजेक्शन स्पीड फास्ट हो, एंड देन मैं ऑटोफोकस सेंसिटिविटी को रिस्पॉन्सिव रखता हूँ, एंड देन वाइड इसको रखता हूँ एरिया को, ऑटोफोकस एरिया को, एंड देन फ्लेक्सिबल स्पॉट अगर आप चाहो तो AFS वाले मोड पे काम करता है तो इसको आप ऑन कर सकते हो, एंड देन आई ऑटोफोकस ये मैं हमेशा ऑन रखता हूँ, पुश ऑटोफोकस मैं ऑन रखता हूँ, और AF असिस्ट मैं ऑन रखता हूँ, ऑटोफोकस असिस्ट मैं ऑन रखता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन मेरे कैमरा में फोकस को लेके रहते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्लो एंड क्विक मोशन, तो आपको फर्स्ट स्लो एंड क्विक मोशन को एक बार सेट करना पड़ेगा, फ्रेम रेट को, डिजायरेबल फ्रेम रेट आपको क्या चाहिए, देन उसके बाद यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है SNQ वाला, तो आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आपका कैमरा SNQ मोड पे चले जाएगा। तो स्लो एंड क्विक मोशन को आप ऑन कर सकते हैं ऑप्शन को, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप डिजायरेबल फ्रेम रेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फ्रेम रेट आपको चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि आपको जो भी मिड की फ्रेम रेट चाहिए लाइक 35, 46, 50, 120, 180 वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकोगे, तो दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड ऑप्शन। तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बार जब आपने फ्रेम रेट सिलेक्ट कर ली तो आप केवल वन पुश के बटन प्रेस करते ही SNQ मोड पे चले जाएंगे, स्लो एंड क्विक मोशन वाले वीडियो पे चले जाएंगे। नाउ लट ऑफ और ऑन अभी इसलिए ऑफ है क्योंकि हम लोगों ने इसे एस लॉक मोड पे नहीं डाला हुआ। अगर एस लॉक मोड पे मैं इसको ऐड डालूंगा तो आप लट ऑन ऑफ को भी यूज़ कर पाओगे, यानी इन मॉनिटर में ही आप लट को यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो रियली कूल थिंग। देन उसके बाद साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग, अगर आपको मेमोरी कार्ड में दो फुटेज सेम टाइम पे रिकॉर्ड करनी है वो आप कर सकते हो। प्रॉक्सी फाइल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है, प्रॉक्सी फाइल में आपको दो चैनल का ऑडियो बनके मिलेगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, इसके अंदर इंटरवल मीटर भी दिया गया है, तो आप टाइम लैप्स भी इससे शूट कर सकते हो। तो टाइम लैप्स के अंदर यूजुअली क्या होता है कि जब हम 7S3 या अदर कैमराज की बात करें जो फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड नॉर्मल कैमराज, फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड मिररलेस कैमराज, उनमें इंटरवल मीटर है पर उसमें पिक्चर्स मिलती हैं, वीडियो आपको कंपाइल होकर नहीं मिलता है। एंड देन यहाँ पे इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे लगा कि इसमें आपको वीडियो कंपाइल होकर मिल जाएगी, एंड इंटरवल मीटर में आप इंटरवल जो है एक वीडियो एक फोटो के बीच में इंटरवल जो है वो आप 24 आवर्स का भी रख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा इंटरवल टाइमिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड देन नंबर ऑफ फ्रेम्स आपको कितने चाहिए, प्री लाइटिंग जो है वो सारे के सारे ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके हाई क्वालिटी के 4K टाइम लैप्स भी इस कैमकॉर्डर से शूट कर सकते हो, विच इज़ रियली कूल, राइट। देन यहाँ पे असाइनेबल बटन्स हैं, तो अगर आपको उनको असाइन करना है तो आप इसे असाइन कर सकते हैं। असाइनेबल डायल्स हैं, ये भी असाइन हो सकता है। मल्टी फंक्शनल डायल है, उनको भी आप असाइन कर सकते हो। देन ऑल फाइल, सो लोकल मीडिया, सेव मीडिया, जब आप इसमें मेमोरी कार्ड लगाएंगे, मैंने मेमोरी कार्ड नहीं कनेक्ट किया हुआ तो ये सारा का सारा ऑप्शन ओपन हो जाता है। क्लिप फॉर्मेट, सो अगर आपको क्लिप फॉर्मेट का नेम चेंज करना है, सपोज करिए आप शूट कर रहे हैं, जो क्लिप आपके मेमोरी कार्ड में सेव हो रही हो वो क्लिप आपके नाम से सेव हो, जैसे RAL लिख दिया आपने, PUN लिख दिया, या फिर कोई भी स्पेसिफिक नाम डालना हो तो वो नाम आप फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे VF सेटिंग्स है, मतलब जो डिस्प्ले की सेटिंग्स है वो दी हुई है, तो आप ब्राइटनेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हो, कलर मोड को कंट्रोल कर सकते हो, ज़ीब्रा को कंट्रोल कर सकते हो, जूम को कंट्रोल कर सकते हो, और मेन्यू सेटिंग्स में यूज़र मेन्यू ओनली, तो आप इसको चाहे तो ऑन ऑफ करना चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हो, तो ये यूज़र मैनुअल को जो है जो हम मेन्यू में है उसको ऑफ कर देगा या ऑन कर देगा। एंड देन यहाँ पे मॉनिटर में भी यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स है, तो मॉनिटर में बेसिकली आप ज़ीब्रा को ऑन ऑफ, पिकिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो, तो मॉनिटर इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा कूल है और टच भी है। देन यहाँ पे एडिट यूजर मेन्यू, तो हमने जो ये मेन्यू देखा दैट इज़ यूज़र मेन्यू, और अगर आपको इसके आइटम्स को एडिट करना है तो वो एडिटेबल है, आप अपने हिसाब से अपना पूरा यूज़र मेन्यू कस्टम कर सकते हो। ये प्री डिफॉल्ट यूज़र मेन्यू है, बट आपको कुछ क्विक मेन्यू एक्सेस करना हो तो इसे आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। देन यहाँ पे नीचे शूटिंग मेन्यू आता है, प्रोजेक्ट्स आते हैं, पेंट आता है, TC आता है, मॉनिटरिंग आता है, ऑडियो आता है, और थंबनेल आता है, ठीक है। सो यूज़र हमने देख लिया, शूटिंग में हम लोग आते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे ISO के बारे में है, ठीक है।
फिर देन ये एनडी फिल्टर भी इस कैमकॉर्डर में, जैसे मैंने बताया आपको, तो ये वेरिएबल एनडी फिल्टर को सपोर्ट करता है, तो यहाँ से एनडी फिल्टर की इंटेंसिटी को आप कंट्रोल कर सकेंगे। शटर स्पीड के बारे में यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे आप चाहो तो शटर स्पीड को एज एन एंगल में ले सकते हो, क्योंकि एक सिनेमेटोग्राफर्स यूजुअली एंगल में ही शटर स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, और चाहो तो आप स्पीड में ले सकते हो, जैसे हमारे नॉर्मली DSLR में होती है 1/50, 1/20, और एंगल में बेसिकली 180 डिग्री का एंगल और 190 डिग्री का एंगल वो आप सिलेक्ट कर सकोगे अगर आप शटर स्पीड एंगल में सिलेक्ट करते हो। देन ऑटो एक्सपोजर का ऑप्शन है, तो आप इसको चाहो तो आप छेड़ना चाहो तो छेड़ सकते हो, बट बेसिकली मैं ऑटो एक्सपोजर को बिल्कुल भी इसमें नहीं छेड़ूंगा, मेरे काम ही नहीं आने वाला ऑटो एक्सपोजर। देन यहाँ पे वाइट बैलेंस के बारे में, तो यहाँ पे यस, अगर आपको वाइट बैलेंस को चेंज करना है तो यहाँ पे नीचे की तरफ केल्विन डिग्री का ऑप्शन मिलता है। देन यहाँ पे टिंट को अगर आपको चेंज करना है, टिंट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। गेन को आपको चेंज करना है, गेन आप चेंज कर सकते हो। बाय द वे, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ले आऊँगा कि वाइट बैलेंस कैसे काम करता है बेसिकली, राइट। एंड देन वाइट सेटिंग्स को आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे भी वाइट सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा। शॉकलेस वाइट बैलेंस, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब आपका वाइट, जैसे आप एक लाइट से दूसरी लाइट में जा रहे हो, आपका वाइट बैलेंस ऑटो मोड पे है, तो बिल्कुल सीमलेसली वाइट बैलेंस चेंज होगा। जैसे यूजुअली हम लोगों ने देखा है फुटेज में क्या होता है, एकदम से झटके से वाइट बैलेंस के कलर चेंज हो जाते हैं, तो आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं 3 पे रखूंगा इसको, और एंड देन यहाँ पे स्विच को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे बी स्विच को मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो मैं जब बी पे स्विच करूँगा तो सीमलेसली जो है वाइट बैलेंस शॉकलेसली सीमलेसली वीडियो के अंदर चेंज होगा, तो वो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा आपके वीडियो में। इसका लेवल मैंने 3 कर रखा है ताकि और सीमलेसली रहे ये, ठीक है। यहाँ पे ऑफसेट वाइट बैलेंस है, इट मींस जो प्रीसेट वाइट बैलेंस की ऑप्शन है, ए और बी बैंक जो कि यहाँ पे साइड में लीवर पे आपको देखने को मिलते हैं, उनको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, और ऑन ऑफ भी कर सकते हो। देन फोकस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही बात कर ली, यूजर मेन्यू में बता चुका हूँ फोकस की सेटिंग्स को, SNQ की सेटिंग्स को भी मैंने यूजर में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, लट के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, दैट इज़ नॉइस सेपरेशन। तो नॉइस सेपरेशन का सबसे अच्छा ऑप्शन दिया गया है गाइस इसमें, और इसमें बेसिकली आप नॉइस के लेवल को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई ISO पे काम कर रहे हो तो आप नॉइज़ लेवल को हाई पे रख दो, इससे क्या होगा कैमरा ऑटोमेटिकली नॉइज़ वैल्यू को कम कर देगा, लो से लो रखने की वीडियो में कोशिश करेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बेसिकली, ये मेरी फेवरेट चीज़ है बेसिकली, और ये बेसिकली S3 और इनमें भी नहीं आपको देखने को मिलता, तो दिस इज़ समथिंग रियली कूल। तो मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ हाल फिलहाल, क्योंकि मैं अभी इतने ज़्यादा हाई ISO पे काम नहीं कर रहा हूँ। देन फ्लिकर रिडक्शन है, अगर आप किसी सिचुएशन में जहाँ फ्लिकर आ रहा है देन आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टडी शॉट का ऑप्शन जो वो ब्लैंक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। रीज़न वाई ये क्यों ब्लैंक है, क्योंकि इस पर जो मैंने लेंस लगाया वो सपोर्ट नहीं करता स्टडी शॉट को, तो लेंस भी सपोर्टेबल होना चाहिए स्टडी शॉट के लिए। ना शूटिंग मेन्यू हम लोगों ने खत्म कर लिया, हम लोग चलते हैं प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट बेसिकली जहाँ पे आपके सारे पिक्चर प्रोफाइल से रिलेटेड, जहाँ पे आप बेसिकली बेस सेटिंग्स और वो सब कुछ कर पाओगे, प्रोजेक्ट मेन्यू बेसिकली वही है। तो मैं ऑलरेडी शूटिंग मोड के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आप कस्टम करेंगे तो आप SCINETONE यूज़ कर पाएंगे और अदर अपनी खुद की कस्टम यूज़ कर पाएंगे, वरना इसमें CineEI मोड यानी जो S-Log2 S-Log3 दिया हुआ है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आपको चेंज करना है, अगर आप फुल फ्रेम पे यूज़ करना चाहते हो फुल फ्रेम, Super 35 Super 35, फ्रीक्वेंसी 50 अगर इसको चेंज करना चाहते हो वो आप चेंज कर सकते हो, और वीडियो फॉर्मेट अगर 4K रखना चाहते हो या आप DCI रखना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकोगे। वीडियो फॉर्मेट में दो ऑप्शन है, XAVC-I XAVC-L, तो L जो है कंप्रेस्ड है, I जो है वो आपका हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड वाला है, राइट। देन यहाँ पे देन नीचे साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, दैट यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू इफ़ यू वॉन्ट। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, प्रॉक्सी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटरवल मीटर के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे वीडियो में। मैं रिकॉर्डिंग कंट्रोल ये आप ऑन कर सकते हो, SDI के थ्रू आप रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने का ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकोगे। असाइन बटन्स का मतलब है आप असाइन कर सकते हो अपने बटन्स को, ये भी एक क्विक मेन्यू में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। असाइन डायल मल्टी फंक्शन, ये बेसिकली असाइनेबल जितने भी बटन हैं उनको आप असाइन कर सकोगे। नाउ यूजर फाइल, सो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन स्पेसिफिक प्रोफाइल है किसी चीज़ को अपलोड करना हो कैमरा में, तो ये ऑप्शन से आप अपलोड कर पाओगे। मेमोरी कार्ड सेलेक्ट करना है A या B, एंड देन उसके बाद यहाँ से आप लोड कस्टम डेटा को क्लिक कर सकोगे। नाउ नीचे आते हैं हम पेंट मेन्यू, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेन्यू है, जिसमें आप सीन सिलेक्शन कर सकोगे। तो यहाँ पे अगर आपको आपके पास कोई अपनी कस्टम स्पेसिफिक प्रोफाइल्स हैं, लर्ट्स हैं, तो वो आप यहाँ पे आकर के इम्पोर्ट कर सकते हो। दिस इज़ समथिंग रियली गुड। तो अपनी खुद की कस्टम प्रोफाइल्स आप इसमें डाल करके डायरेक्टली वीडियो शूट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है गाइस। अगर आप सपोज करो कोई स्पेसिफिक लट पे काम करते हो, तो यहाँ पे लट वो इंस्टॉल करके एंड देन यू कैन शूट ऑन दैट पर्टिकुलर लुक।
ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बेसिकली मेरी तरफ से, तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। बाय द वे इसमें एसिनेटोन आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड, स्टिल और ये सारे अदर प्रोफाइल्स भी हैं जिसमें आप इसको सिलेक्ट कर सकोगे। तो ये प्रीसेट के ऊपर मेंशनड है, आप इनमें से कोई भी एक प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे हम लोगों के पास बेस लुक है, बेस लुक में इफ़ यू वांट टू यू नो चेंज इट समथिंग, क्योंकि वो BT709 के ऊपर ये काम करेगा बेस लुक, तो इसमें अभी वर्क नहीं करेगा जो एसिनेटोन हमने सिलेक्ट किया हुआ है। रीसेट सेटिंग अगर आपको करनी है तो रीसेट कर सकते हो। ब्लैक लेवल, डिटेल, मैट्रिक्स और मल्टी मैट्रिक्स को आपको चेंज करना है। बेसिकली बहुत डीपली बहुत छोटे छोटे यू नो कलर पिक्सल्स को मैनेज करने के लिए इन सेटिंग्स को यूज़ हो किया रहता है। अगर आपको नहीं आता तो डोंट टच इट, आप कैमरा को नॉर्मल मोड पे ही बाय डिफॉल्ट पे ही छोड़ दीजिए। नाउ टाइम कोड का ऑप्शन है, अगर आपको टाइम कोड सिलेक्ट करना है, टाइम कोड को मैनेज करना है, टाइम कोड को डिस्प्ले पे दिखाना है, यूजर बिट दिखाना है, इसके साथ साथ में HDMI TC आउटपुट के साथ में इसको कनेक्ट करना है, क्लिप के नाम को कनेक्ट करना है टाइम कोड के, तो वो सब कुछ आप यहाँ पे कर पाओगे। देन इसके बाद मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, तो HDMI आउटपुट से रिलेटेड बेसिकली सब कुछ इसमें, HDMI SDI आउटपुट को ऑन कर सकते हो, आउटपुट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, आउटपुट की डिस्प्ले पे इन्फॉर्मेशन आना चाहिए नहीं आना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, डिस्प्ले ऑन ऑफ को आप सिलेक्ट कर सकते हो, मार्कर्स अगर आपको डिस्प्ले पे डालने हैं तो दैट इज़ रियली कूल, ये भी आप ऐड कर सकोगे। तो मैं हमेशा जो है मार्कर्स को यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे लाइन और यू नो ब्लैक मास्क, तो ये आप बेसिकली यू नो ऑफ ऑन कर सकते हो। तो अगर आप यू नो एक ऐसे एक्सपेक्ट रेशो पे यूज़ कर रहे हो जो कि सिनेमा एक्सपेक्ट रेशो है, तो ये मार्कर्स यू नो लगाए जा सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है बहुत ये। एंड देन एक्सपेक्ट रेशो मार्कर्स का यू नो कितना ज़्यादा वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं मास्क का जो कलर है वो कितना ज़्यादा होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, सेफ्टी एरिया जोन ये सब कुछ यू नो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल एक्सपेक्ट रेशो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो वो सिलेक्ट करके और मार्कर्स लगा सकते हो। गाइड फ्रेम है, 100% मार्कर्स हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वी हैव सेटिंग्स अबाउट डिस्प्ले की सेटिंग्स हैं, ब्राइटनेस और कलर मोड को आप इस पर सिलेक्ट कर सकोगे। गामा असिस्ट मोड तभी ऑन होगा जब आप एस लॉक पे होगे। पिकिंग और जीब्रा या वीब्रा ये सब आप मॉनिटर से भी कंट्रोल कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट ऑडियो, तो ऑडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इंटरनल माइक्रोफोन, सब में इंटरनल माइक्रोफोन सिलेक्टेड है, राइट। सो अगर आप जब एक्सटर्नल लगाओगे तो आपको यहाँ पे इनपुट वन पे एक्सटर्नल सिलेक्ट करना पड़ेगा, या शू, यहाँ पे आपको MI शू भी मिलता है, MI शू से भी ये ऑडियो पिकअप कर सकता है, तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ से भी आपने ऑडियो कनेक्ट किया है वहाँ पे उस पर्टिकुलर माइक्रोफोन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना आपको होगा। नीचे ऑडियो आउटपुट, अगर आप आउटपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप आउटपुट को भी सारा कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स हैं, यस, तो ये टेली है, ये बेसिकली लाइट के बारे में, रियर ऑन ऑफ आपको करनी है, एनडी डायल आपको ऑन ऑफ करना है, आपको कलर बार डालनी है वीडियो में, होल्डिंग स्विच को आपको कुछ चेंज करना है, टच ऑपरेशन को आपको ऑन ऑफ करना है, रिकॉर्डिंग रिव्यू वाले बटन को आपको ऑन ऑफ करना है, जूम टॉलर को आपको कुछ और चेंज करना है, हैंडल वैंडल को कुछ चेंज करना है, फैन जो कि बेसिकली बिल्ट इन आपको चलता है उसकी आवाज़ अगर आपको ज़्यादा सुनाई दे रही है उसको आपको कंट्रोल करना है, तो वो यहाँ से कंट्रोलेबल है। देन लेंस के करेक्शन के बारे में भी इसमें मेंशन है, तो लेंस के करेक्शन को भी आप यहाँ से कर पाओगे। देन यहाँ पे कैमरा बैटरी अलार्म, अगर कैमरा की बैटरी डिस्चार्ज होने वाले तो ये अलार्म कर देगा, कैमरा DC अलार्म अगर ये भी DC की भी प्रॉब्लम है तो वो भी अलार्म कर देगा। एंड देन नेटवर्क ऑप्शन है, अगर आप यू नो कुछ सपोज करो आप इससे कुछ कनेक्ट करते हैं फाइल ट्रांसफरिंग के लिए नेटवर्क, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, ठीक है, अगर लैंडलाइन आपने कनेक्ट किया। मेंटेनेंस, अगर लैंग्वेज चेंज करनी है, क्लॉक टाइम चेंज करना है, रीसेट करना है, हावर मीटर चेंज करना है, वर्जन चेक करना है, वो सब कुछ यहाँ से यू नो चेक हो पाएगा। तो ये अबाउट था इसका पूरा ब्रीफ मेन्यू, पूरे के पूरे मेन्यू को कवर अप कर लिया है, और आप आई होप आप लोगों को ये मेन्यू के बारे में जो भी मैंने समझाया वो समझ आया होगा। ये था जस्ट मैंने मेन्यू रन थ्रू कराया जल्दी से, हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में इसकी और जो स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं उसके बारे में जानेंगे, और वो जल्दी जल्दी मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। ऑटो फोकस की सेटिंग्स को कैसे काम में लिया जा सकता है, मैंने ब्रीफ थोड़ा नॉर्मली समझा दिया ऊपर से, बट ब्रीफ जो चीज़ें वो मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा अपकमिंग वीडियो में। आप कैसे लट इंपोर्ट कर सकते हो, कैसे आप अपना पर्टिकुलर कस्टम लुक क्रिएट कर सकते हो, वो सब कुछ मैं मेरे इस अपकमिंग वीडियोज में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून रहिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फॉलो कर लीजिए मुझे, साथ साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून एंड स्टे रॉक।